All right, guys, welcome to the top 5 Godiv this week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi media. To karna! And the biggest thing happened at the Oscar. Will Smith ne chipka diya bhai ko. I don't know why, but it reminds me someone. Who? Nahi aa raha. अरे यार ये थप्पड़ देख के याद नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो यार. अरे वही जिसे लोग पत्रकारिता की दुनिया में शॉट भी नहीं समझते हैं. यस द पुशअप मैन. नहीं बुरा मत मानना चूतिया तू तो है. इत्मीनान से लोग एग्जिट पोल बताते हैं लेकिन ये पुशअप लगा लगा के बताता है. एक सीट पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही. जो भी है इसको रोड पे पड़ा था याद आया और यहाँ स्टेज पे पड़ा है. इंटेंसिटी सेम थी और फ्रस्ट्रेशन भी बराबर थी. बहुत बढ़िया विल भाई. यहाँ विल स्मिथ ने मारा था वहां किसी की विल ने मारा था. आज भी नहीं समझते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग सीरियस. दीज क्वेश्चन मार्क्स गाइस, दीज क्वेश्चन मार्क्स, ये प्रश्नवाचक चिन्ह गोदी मीडिया को भर भर के कमा के दे रहे. पैसा ही पैसा होगा. कुछ भी बात बोल देते और एक क्वेश्चन मार्क डाल देते और जनता को लगता है अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है और देखना शुरू. इनकी टीआरपी बढ़ जाती है और वहां कुछ न्यूज नहीं होती सिवाय ये बम पटाखों के. यूक्रेन में उतरे अमेरिकी सैनिक क्वेश्चन मार्क. क्या जो बाइडेन पर ये होगा वो होगा. क्या धमकियों से छिड़ेगा परमाणु युद्ध क्वेश्चन मार्क. और या तो इमरान खान पे काले जादू से बचेगी कुर्सी क्वेश्चन मार्क. युद्ध में फंस गए पुतिन क्वेश्चन मार्क. यूक्रेन को और कितना तोड़ेंगे पुतिन क्वेश्चन मार्क. सो दीज क्वेश्चन मार्क्स यू कैन फाइंड एवरीवेयर ऑन गोदी चैनल्स ऑल्सो. नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा. इतना हिंदू मुस्लिम भी मत करो, थोड़ी पत्रकारिता कर लो. पेट्रोल के दाम बढ़े उस पर बात कर लो. पहले कहाँ 78 रुपए और 75 रुपए लीटर मिला करता था, अभी 110-111 रुपए लीटर हो गया तो बहुत कॉस्टली हो गया. आम लोग के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है. Yeah, and here is a good observation, guys. You have to listen to it. और बढ़िया ट्रिक है गोदी मीडिया की, हर चीज में गोदी मीडिया मोदी जी को बीच में ला देता है. मतलब ये तो खैर मीम बना है कि रॉक और स्मिथ की दोस्ती क्या करवाएंगे मोदी जी. ये तो मीम है. पर हर बात में मोदी जी बीच में आ जाते हैं. मतलब अगर मंगल ग्रह पे हलचल भी चल रही है तो कहीं ये मोदी मैजिक तो नहीं. पर बट वेन यू विल सी द पेट्रोल प्राइस, इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम्स, जॉब्स, वहां पे मोदी जी की फोटो नहीं लगाते, वहां ये अपनी फोटो लगा लेते. अच्छी ऑब्जर्वेशन थी. महंगाई की गर्मी और कितना तपाएगी, घंटी बजाओ. खैर फिर लोगों ने इसको ठीक भी किया. सो या गाइस, दैट्स ऑल आर हैपनिंग विद यू पीपल थ्रू टेलीविजन चैनल्स, न्यूज चैनल्स एंड यस. और धंधा नहीं हो पाता है और इससे और क्या, भूखे मरने की नौबत आ रही है. And they can't see these type of problems in the country. What they are doing? What? आती है खबर गोदी मीडिया पे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पर सवाल नहीं पूछेंगे कि क्यों बढ़ रहे हैं, जनता मुश्किल में है, महंगाई बढ़ रही है, साहब कुछ करो. नहीं, बस आप पेट्रोल के दाम बढ़ गए. सारा टाइम पास ये या तो यूक्रेन की वॉर पे चला देंगे. ऐसे क्या मोदी मॉडल से रुकेगा वर्ल्ड वॉर? यूक्रेन से हटकर इनके सवाल फिर पाकिस्तान पे आते. देखो वहाँ क्या हो रहा है. नंबर वन, पाकिस्तान में सिलेक्टेड पीएम के दिन पूरे हो गए. नंबर टू, क्या बाजवा से बागत महंगी पड़ गई? नंबर थ्री, क्लीन बोल्ड इमरान. कम ऑन गाइस, थिंक अबाउट आवर पीपल. नवंबर में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स घटाया था 5 रुपए का, उसका असर अब खत्म हो गया है क्योंकि 10 दिनों में ही 6.40 रुपए तक बढ़ चुके हैं दाम और ये अब लोगों को बेहद परेशान करने लगा है. जया अब चलो भर पानी में जाके डूब के बचाओ. लेट्स टॉक अबाउट experience guys. I mean this guy is having an experience of 20 years in journalism. ये इनका ट्विटर का बायो है, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है? ये 20 सालों से पत्रकारिता में, एबीपी गंगा के हेड है. अब इनका ट्वीट पढ़ो. Let me read this tweet. मोदी जी की हथेलियाँ देखी है कभी? आम इंसानों से बड़ी हथेलियाँ हैं और उंगलियाँ हैं लंबी लंबी, कभी गौर कीजिएगा. Any kind of a trade, there is a capital risk involved. All right, guys, this is really interesting. I came across to a really amazing trading platform called Probo. क्या होता है, share market हो या कुछ भी हो, आपको सीखना पड़ता है कि यार ऐसा होगा वैसा होगा. यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो सिर्फ अपने नॉलेज के बेसिस पे. And you can earn a huge profit. So in Probo, all you need to do is to use your gyan. And you can find different categories over here. Politics, crypto, finance, Bollywood, startup, different categories. जिसमें भी आपकी expertise हो. All you need to select a category. For example, right now, crypto.
विल डिजिटल करेंसी बी इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई बाय एंड ऑफ अप्रैल 2022? बस अब आपको अपना ओपिनियन यस और नो में देना है, उसके बाद प्राइस सिलेक्ट करके स्वाइप फॉर यस, एंड इफ योर ओपिनियन इज परफेक्ट यू कैन अर्न मनी और बड़ी आसानी से यूपीआई के थ्रू पैसे विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। एंड दैट्स नॉट इट, अगर आप अपने किसी ओपिनियन के लिए बहुत श्योर हो तो आप अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, जिससे आपका पोटेंशियल विन अमाउंट बढ़ जाता है। सो नाउ डोंट गिव योर फ्री ज्ञान, through that gyan make some money. Link description section mein agar aapne us link ko use kiya to you will get 25 rupees of bonus. Okay now guys, the Kashmir files, the pain of Kashmiri pandits. Unke sath bahut anyay hua, usko dekh kar bahut peeda hui, kafi baatein ki hai maine movie ke bare mein yahan pe. Ye kya kaha hai is? Partner, we should have the Republic files. I will ask Mr. Agnihotri to bring out this movie called spirit. Republic files. Absolutely. It's a story that needs to be told, I truly feel sometimes. It means that he can't understand the pain of Kashmiri pandits. It's a story that needs to be told, I truly feel sometimes. समझने की बात है, इसने ऐसी कौन सी तकलीफ देखी है जो कि ये अपनी पीड़ा को कश्मीरी पंडित्स की पीड़ा के बराबर समझ रहा है? Absolutely. चुप! बिल्कुल चुप! शर्म आनी चाहिए इसे। He is shameless. कश्मीरी पंडितों का दर्द हम समझ भी नहीं सकते, इतना ज्यादा है। 31 सालों से वो अपनी पीड़ा दिल में दबाए बैठे हैं। उन पर एक फिल्म आई जिसमें उनके दर्द के बारे में बात हुई। ये कह रहा है, जिसको दो डंडे पड़े थे मुंबई पुलिस के और इसके मुंह से ये निकल गया। मारा गया, I've been beaten, मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। क्या किसी की तकलीफ को समझा? He totally lost it. CNN News 18 Newsroom, hear me. क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। कितनी चिल्ला चिल्ला के इसने अपनी टीआरपी के बारे में बताया और अभी तक नेशन मॉनसूनों की नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे ये है, अनक्वेश्चन्ड एंड चैलेंज नंबर वन, ये है भारतवर्ष नंबर वन है, ये है टाइम्स नाउ हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट वॉच्ड चैनल, ये है लगातार नंबर वन पर बना हुआ है लंबे अरसे बाद। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चित्रा त्रिपाठी जी एंड हर पैशन फॉर ड्राइविंग एंड राइडिंग। मतलब बहुत सारे आज तक वाले फ्री की ड्राइवरी करवाते हैं और पगार भी नहीं देते उनकी। शी इज फेमस फॉर दैट एंड हर ट्रैक्टर राइड विद अंजना ओम, यस दैट वाज आल्सो प्रीटी ऑसम। She was following her passion and driving in Uttar Pradesh during the oath ceremony of Yogi Adityanath. Oh, no. पर किसी ने यहाँ पे पकड़ लिया और एक बिना सीट बेल्ट के ड्राइव कर रही हो, किसी ने लिख दिया ट्वीट, कुछ शर्म आया है, पुलिस भी एक्टिव हो गई। हाँ बताओ बताओ, नाम बताओ, गाड़ी का पता बताओ। फिर किसी ने बता रहे, ये रहा सर नाम पता, कर लो अरेस्ट। गाइस नाउ गोदी नंबर टू, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सीएम एंड पीएम। यहाँ पे मोदी जी और केजरीवाल जी के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में बात हो रही है। इट्स अबाउट कंट्री, ओके, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। मैंने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट है, चिंता की बात है कि प्राइम मिनिस्टर चुनाव के पहले जाते हैं। आपने सीएम को कहना मैं जिंदा लौट आया, मैं जिंदा लौट आया, और उनको ये सब कहना पड़ता है। मैसिव कवरेज ऑन गोदी मीडिया अबाउट दिस, जिंदा लौट आया, थैंक यू, पंजाब से कैसे जिंदा लौटे पीएम। अगेन आई एम सेइंग यू, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गोदी ने जम के कवरेज की इस बात की, लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर के घर पे हमला हुआ है, लिटरली हमला हुआ है। ये फुटेजेस आए, ये गेट पर लगे बूम बैरियर तोड़े गए। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि असामाजिक तत्वों ने यह काम किया है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ, कहती है आम आदमी पार्टी। और यहाँ पे केजरीवाल और मोदी जी की बात हुई, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली उनके घर पे हमला हुआ है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के एक जो वहां पर तैनात थे सैनिक, उनको भी कुछ चोट आई है। गोदी मीडिया पे आपको खबर मिलेगी नहीं, थोड़ा बहुत उन्होंने कवर कर लिया बस, क्योंकि आप भी जानते हैं। Okay, now the Godi number one of this week. मैं कहता हूँ कोई भी गोदी चैनल उठा के देख लो, उसमें सबसे ज्यादा कोई नूरानी चेहरा चमकता है मोदी जी का नहीं, उनके बाद तो वो है बाबा रामदेव का। हर जगह अपना प्रोडक्ट बेचता है दिखेंगे। So let's go Godi's way. Old videos of बाबा रामदेव on Godi channels 2014. कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का, एंड दिस ओल्ड वीडियो व्हेन दे वर सेइंग दिस, पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल, पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल मूल्य कितना है उसका। सो ही वाज क्लेमिंग ऑल दीज थिंग्स एंड ही इंसल्टेड डॉक्टर्स। 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर ही।
कोरोनल भी बेची गई है, लेकिन 35 रुपए पेट्रोल के नाम पे वोट मांगे गए थे। तो जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 भी दिलाने वाले? यही सवाल इस वक्त जब पेट्रोल के प्राइस हाहाकार मचा रहे हैं पूछा गया, तो बाबा जी ने क्या जवाब दिया? नहीं पड़े क्या करे, पूछ फाड़ लेगा मेरी। मैंने कहा था पूछ पाड़ेगा मेरी। बाबा जी अहंकार देखो बाबा जी का, आत्मबंधन कर भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। खैर जो भी है, एक भी गोदी मीडिया के चैनल पर ये न्यूज नहीं आई कि बाबा रामदेव ने एक पत्रकार को डांटा। मैंने कहा था पूछ पाड़ेगा मेरी। He was claiming and telling the people of India to vote for BJP so they will give you the 35 रुपी पेट्रोल। आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या? मैंने कहा था पूछ पाड़ेगा मेरी। बाबा जी डॉक्टरों की मौत का मजाक बना दिया उस। अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो, कैसी डॉक्टर ही। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी राम। लेकिन गोदी मीडिया ने एक सवाल नहीं पूछा। मैंने कहा था पूछ पाड़ेगा मेरी। क्योंकि बाबा जी से बहुत एड्स आ रहे हैं और जहाँ से पैसा आ रहा है पैसा ही पैसा होगा, उसके खिलाफ तो कभी गोदी बोलेगा ही नहीं। दलाल तो ऐसे ही चल रहा है यार। खैर क्या कर सकते हैं, गा लगा दे। गेट द फक आउट ऑफ हियर।